हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री से सोल। द नेक्स्ट टॉपिक इज सोल। हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी सोल की प्रिपरेशन कैसे होती है। कुछ बच्चे भूल गए होंगे, चलिए फिर से बता देते हैं। आपके पास एक टेबल थी, उनमें हमने देखा था कि जो आपका डिस्पर्स फेज है वो डिस्पर्जन मीडियम है, वो अलग अलग फेज में लाई करता है, और आपको हेटरोजीनियस मिक्सचर की प्रिपरेशन करनी होती है इन कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन के लिए। तो वहाँ पे आप देखते हो कि आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम है, वे आपस में इंटरेक्शन करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोलोइड बनाते हैं। आइदर इट मे बी सॉलिड सोल, सिंपल सोल, इमल्सन, एरोसोल, सॉलिड सोल एंड मैनी मोर। ठीक है, वहाँ पे आपने देखा था कि ये आपके पास जो टेबल है वहाँ पे आपको पता लग गया था, प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख सकते हो। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो आपके सोल हैं वो क्या होते हैं। वहाँ पे हमने देखा था कि अगर आपका डिस्पर्स फेज आपके सॉलिड के अंदर है और डिस्पर्जन मीडियम अगर आपका लिक्विड के अंदर है, तो उसको वे आपके सोल की प्रिपरेशन करते हैं। ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपके पास एक वेसल है और यहाँ पे आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम आपका क्या होना चाहिए, लिक्विड के अंदर। और जो डिस्पर्स फेज है, मान लीजिए ये आपका डिस्पर्स फेज है, आप किसके अंदर ये डाल रहे हो, तो ये आपका क्या होना चाहिए, सॉलिड। जब सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिजोल्व करते हो तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है उसको आप बोलते हो सोल। ठीक है, तो ये जो आपका सॉल्यूशन बनेगा इसको क्या बोलोगे आप, सोल। तो डेफिनेशन क्या बोलती है सोल की, डेफिनेशन ये बोलती है इट इज दैट टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड। इट इज दैट टाइप ऑफ सोल दैट type of colloidal solution in which dispersed phase is solid and dispersion medium is liquid. एग्जाम्पल की बात करें तो वहां से आप देख सकते हो, और यहां पे भी गम, जेलेटिन, स्टार्च, एक्सेट्रा। तो आपको अभी पता लग गया कि जो आपके सोल होते हैं उसमें क्या होता है कि डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम आपका लिक्विड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सोल कि आपकी टाइप ऑफ सोल कितने टाइप के हैं। ठीक है, देखिए टाइप ऑफ सोल, जो आपके टाइप ऑफ सोल हैं, सोल की जो भी प्रिपरेशन होगी वे मेनली टू फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन टू टाइप। द फर्स्ट इज बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन। एंड द सेकेंड इज बेस्ड अपॉन पार्टिकल साइज, बेस्ड अपॉन पार्टिकल साइज। बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन देखिए कोई भी सोल है, सोल की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक बीकर है और इसके अंदर आपके पास डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, ये है आपका डिस्पर्जन मीडियम, और इसके अंदर आप कोई भी सॉलिड
डिस्पर्स फेज इसके अंदर डाल रहे हो, ठीक है। ये आपका है सॉलिड और सॉलिड आपका होगा डिस्पर्स फेज, ये आपका लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड आपका डिस्पर्जन मीडियम होना चाहिए, सॉलिड आपका डिस्पर्स फेज होना चाहिए। तो बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, जब ये पार्टिकल इसके अंदर जाते हैं तो ये क्या करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे। किसके साथ इंट्रैक्शन करेंगे, बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, टाइप ऑफ सोल इज द बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन किनके बीच होगी, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स के बीच। एंड द सेकेंड इज बेस्ड अपॉन पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज किस पे डिपेंड करेगा, ओनली डिस्पर्स फेज पे, ठीक है। तो पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज, ये है आपका सेकंड। अब बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, ये भी आपके टू टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर हम करें बात करें तो ये आपके फिर से डिसोसिएट हो जाते हैं, टू टाइप के होते हैं ये आपके। द फर्स्ट इज लायोफिलिक, लायोफिलिक एंड द सेकंड इज लायोफोबिक। हर एक को डिटेल में स्टडी करेंगे, लायोफिलिक किसको बोलते हैं, लायोफोबिक किसको बोलते हैं, ठीक है। इनमें क्या होगा, इंट्रैक्शन के बीच ही होगी, अगर इंट्रैक्शन अच्छी हो रही है, अच्छी हो रही है तो लायोफिलिक हो जाएगा, अगर इंट्रैक्शन अच्छी नहीं हो रही तो लायोफोबिक हो जाता है। इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। द बेस्ड अपॉन पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल हैं उन पे आपके थ्री टाइप के होते हैं ये, ठीक है। ये आपके डिपेंड करते हैं थ्री टाइप। द फर्स्ट इज मल्टी मोलिकुलर, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। द सेकेंड इज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स एंड द थर्ड इज एसोसिएटेड कोलॉइड, एसोसिएटेड कोलॉइड। जो आपके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं उन डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का जो साइज होता है वो आपका कितना होगा उन पे ही डिपेंड करता है आपके मल्टी मोलिकुलर, मैक्रो मोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज हम अपने इस लेक्चर में सिर्फ इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे कि आपके टाइप ऑफ सोल हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनमें हर एक के लिए लायोफिलिक कौन से होते हैं, लायोफोबिक कौन से होते हैं, मल्टी मोलिकुलर कौन से होते हैं, मैक्रो मोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सोल के अंदर बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। पहले हम इनको डिफाइन करेंगे, फिर बाद में हम इनको डिफाइन करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सोल में। फर्स्ट है आपका बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। देखिए सबसे पहले इनका जो नाम है आपका लायोफिलिक सोल, मैंने आपको बताया कि जो बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन है आपके टू टाइप के होते हैं, लायोफिलिक सोल एंड लायोफोबिक सोल, ठीक है। तो ये वर्ड कहाँ से आए हैं, आपने ये पढ़ा होगा कि हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, ठीक है, आपने ये वर्ड पढ़ा होगा हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। देखो हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रा जो आपका हाइड्रा वर्ड है, हाइड्रो वर्ड कहाँ पे यूज होता है केमिस्ट्री के अंदर, ये यूज होता है आपका फॉर वाटर के लिए, ठीक है। और फिलिक ये आपका एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग, ठीक है, लविंग मतलब वाटर लविंग जो होंगे आपके वे क्या होते हैं आपके हाइड्रोफिलिक इन नेचर। इनका इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी पार्टिकल आप जैसे नमक है, नमक को पानी के अंदर डालते हैं वो हाइड्रोफिलिक है, आपके पानी के साथ अच्छी इंट्रैक्शन करता है, ठीक है। तो जो भी आपके लिक्विड लविंग है, जो भी आपके वाटर लविंग है, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफोबिक, फोबिक जो वर्ड है वो आपका रिप्रेजेंट करता है हीटिंग और रिपेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स हीटिंग और रिपेलिंग, ठीक है, या तो हीटिंग बोल सकते हो या फिर रिपेलिंग बोल सकते हो।
मीन्स कि आपके पास कोई भी डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे आपका सिंपल वाटर है, वाटर के केस में आप हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक बोलते हो, लेकिन जो सोल बनते हैं उस केस में हम बोलते हैं लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ठीक है। तो इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ और इसकी जगह पे लिखता हूँ मैं लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ठीक है। तो ये देखो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, जैसे हाइड्रा मीन्स वाटर होता है वैसे ही लायो मीन्स लिक्विड आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो आपके जो दो हैं लायोफिलिक एंड द सेकेंड इज लायोफोबिक। देखिए लायोफिलिक, लायो मीन्स लिक्विड, ठीक है, लायो मीन्स लिक्विड एंड फिलिक मीन्स लविंग, ठीक है, फिलिक जो वर्ड है, फिलिक मीन्स लविंग, दैट मीन्स जो लिक्विड लविंग होंगे आपके, जो आपके आपस में इंटरेक्शन अच्छी करेंगे वो क्या होंगे, लायोफिलिक, और जो आपके लिक्विड हेटिंग होंगे, ठीक है, लिक्विड हेटिंग या फिर लिक्विड रिपेलिंग, वे आपके क्या होते हैं, लायोफोबिक। लायो मीन्स लिक्विड, फोबिक मीन्स हेटिंग और रिपेलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपके सोल होते हैं, सोल के अंदर आप कैसे प्रिपरेशन करते हो कि आपके पास कोई भी एक वेसल है, इसके अंदर आप लिक्विड लेते हो, ठीक है, लिक्विड होगा आपका डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम लेते हो आप, ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए लिक्विड के अंदर, और जो भी आप डिस्पर्स फेज लेते हो, ठीक है, डिस्पर्स फेज पार्टिकल इसके अंदर डालते हो, ये आपका होना चाहिए सॉलिड के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप इसके अंदर डालते हो, अगर ये डिस्पर्स फेज पार्टिकल इसके अंदर डालने के बाद अच्छे से इंटरेक्शन करते हैं, पानी के साथ अच्छे से इंटरेक्शन करते हैं, फिर डिस्पर्जन मीडियम के साथ अच्छे से इंटरेक्शन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लायोफिलिक, मतलब जो आपका लिक्विड है लिक्विड के साथ अट्रैक्ट हो रहे हुए, लिक्विड अट्रैक्टिंग, लिक्विड लविंग, ठीक है, तो वो आपको क्या बोलोगे, वो आपके होंगे लायोफिलिक। अगर ये वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं करते हैं, यहाँ पे मैं वाटर ले रहा हूँ, आपका डिस्पर्जन मीडियम एक्ट एज आपका वाटर, वाटर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हो, बेंजीन, एल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कुछ भी हो सकता है। तो जो डिस्पर्जन मीडियम है आपका, जो लिक्विड है, इसीलिए ही बोला गया है यहाँ पे लायोफोबिक, क्योंकि लायो मीन्स लायोफोबिक या लायोफिलिक लिक्विड के केस में, तो हम वाटर नहीं कह सकते इसको पर्टिकुलर, हम लिक्विड कहेंगे। तो जो आपका लिक्विड है लिक्विड के केस में, अगर ये लिक्विड डिस्पर्स फेज पार्टिकल के साथ अच्छे से इंटरेक्शन करता है तो लायोफिलिक होता है, अगर इंटरेक्शन नहीं करता है, इसको रिपेल करता है, मतलब आपके सोल की प्रिपरेशन बहुत मुश्किल से होती है। एक तो क्या होगा कि आपके जो सोल है ये डिस्पर्स फेज पार्टिकल इसके अंदर डालेंगे लिक्विड के अंदर, और डालते ही आपके स्टीर करेंगे और आपके बन जाएंगे, ये क्या होगा, अच्छे से इंटरेक्शन किए इन्होंने, लेकिन एक ऐसे होंगे कि डायरेक्ट मिक्सिंग करेंगे और उनको नहीं बन सकते, तो वे क्या होंगे, आपके लायोफोबिक होते हैं, ठीक है, वो लिक्विड से, लिक्विड आपके जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल होंगे उनके साथ इंटरेक्शन नहीं करते हैं, डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, फर्स्ट है आपका लायोफिलिक सोल, ठीक है, लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, आपको पता लग गया होगा लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग। द नेक्स्ट इज इट इज द सोल, ये कौन से सोल होते हैं, इट इज द सोल इन विच पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम अट्रैक्ट टू ईच अदर, अगर वे आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, अगर ये पार्टिकल इसके साथ अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, लायोफिलिक, ठीक है, यही होते हैं आपके लायोफिलिक सोल। लायोफिलिक सोल कैन बी ऑब्टेन बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इसका मतलब क्या है कि आपने क्या किया, डिस्पर्स फेज आपके पास एक बीकर है, इसके पास इसके अंदर कोई भी डिस्पर्जन मीडियम है, उसके अंदर आप अगर डिस्पर्स फेज पार्टिकल डालते हो, अच्छे से स्टीर करते हो, डायरेक्ट मिक्स करना है, बस डाला, मिक्स किया, हो गया, बन गया आपका सॉल्यूशन। तो ये आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट मिक्सिंग से बनते हैं, इनको बोलते हैं लायोफिलिक सोल। एग्जाम्पल क्या है, गम, स्टार्च, जेलेटिन, ठीक है, ये आपके होते हैं लायोफिलिक सोल। तो एक बात और याद रखनी है कि लायोफिलिक सोल कैन बी ऑब्टेन बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक कोलाइड। कई बार एग्जाम में वो इंट्रिंसिक कोलाइड के नाम से देता है, वो आपको डायरेक्ट नहीं बताता है, लायोफिलिक सोल के नाम से नहीं देता है, इंट्रिंसिक कोलाइड आपके क्या होंगे, जो आपके डायरेक्ट मिक्सिंग से बन जाते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम को डायरेक्ट मिक्सिंग से जो बनते हैं उनको ही बोलते हैं इंट्रिंसिक कोलाइड, और जिनके लिए स्पेशल मेथड लगता है उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक कोलाइड। इज दैट क्लियर, इंट्रिंसिक कोलोइड होंगे आपके जो डायरेक्ट मिक्सिंग से बनेंगे, डायरेक्ट मिक्सिंग से ही ये बनते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इंट्रिंसिक कोलोइड। एंड रिवर्सिबल सोल, ये हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, रिवर्सिबल सोल क्या बनते हैं,
कि अगर ये एक बार बन जाते हैं, बनने के बाद ही फिर सेटल हो जाते हैं और फिर से आप इसको स्टीर करते हो तो फिर से बन जाते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। इनको फिर बाद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले आपको यही ध्यान रखना है कि आपका जो इंटेंसरी कोलॉइड है इनका, इनको क्या बोलते हैं, ये इंटेंसरी कोलॉइड होते हैं और रिवर्सिबल सोल होते हैं, और ये इनका जो दूसरा नाम होगा क्या होगा, लायोफिलिक सोल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात करेंगे हम लायोफोबिक सोल की। तो चलिए अब बात करते हैं लायोफोबिक सोल आपके क्या होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि आपके पास एक बीकर है, इसके अंदर आपका डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम आपका लिक्विड होगा और डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल होंगे, डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल होंगे जब हम इसके अंदर डिजोल्व करेंगे तो डायरेक्ट मिक्स ना हो। अगर ये डायरेक्ट मिक्स होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आपस में इंट्रैक्शन अच्छी करते हैं तो क्या होंगे, लायोफिलिक। अगर यहाँ पर इंट्रैक्शन अच्छी नहीं करते हैं तो ये क्या होंगे, आपके लायोफोबिक सोल। इज दैट क्लियर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये आपके स्पेशल मेथड से बनते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से बनते हैं। डायरेक्ट मिक्स करने के बाद आप स्टीर करते हो नहीं बनेंगे ये, तो ये क्या होते हैं, ये आपके स्पेशल मेथड से बनेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सटेंसरी कोलाइड और इरिवर्सिबल सोल। चलिए मैं आपको बता देता हूँ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सोल भी क्या कैसे प्रिपरेशन करते हैं। आपने ये पढ़ा होगा और मैंने भी आपको ये बताया कि आपके जो कोलोइड्स होते हैं वे सभी कोलोइड्स आपके हाइड्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो भी आपके सोल की प्रिपरेशन होंगी, यहाँ पे आपका ये क्या है, डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स एंड दिस इज द डिस्पर्जन मीडियम फॉर्मेशन ऑफ सोल टेक प्लेस एंड दिस सोल विल बी हेट्रोजीनियस इन नेचर, हेट्रोजीनियस होने मिक्सचर बनाएंगे। पार्टिकल का जो साइज है वो लाई करेगा 1 to 1000 नैनोमीटर। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके हाइड्रोजीनियस मिक्सचर अगर ये प्रिपरेशन करते हैं तो क्या होगा कि कुछ टाइम बाद आप देखते हो, चाहे वो लायोफिलिक सोल है या लायोफोबिक सोल है, ठीक है, जब हम डिस्पर्स फेज पार्टिकल को मिक्स करते हैं और मान लीजिए आपका बन गया लायोफिलिक सोल है, लायोफिलिक सोल का एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाले पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर डिजोल्व करते हैं, डायरेक्ट मिक्स किए हैं और बन गया आपका सोल। बनने के बाद जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल कुछ टाइम तक तो आपके स्टेबल रहेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखते हो ये पार्टिकल हल्के हल्के आपके सेटल डाउन हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स आपके सेटल हो जाएंगे, जो कंसंट्रेशन वो नीचे ज़्यादा मिलेगी, ऊपर कम मिलेगी सॉल्यूशन की। दैट इज, इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होने के कारण ये पार्टिकल, कुछ पार्टिकल सेटल होने की कोशिश करेंगे, सेटल होने के बाद कंसंट्रेशन थोड़ी नीचे ज़्यादा हो जाती है, तो आप क्या करते हो, आप फिर से डायरेक्ट मिक्स कर देते हो, उसको स्टीरर लेते हो और उसको फिर से मिला देते हो। मिलाने के बाद आप जैसे ही स्टीरर लेते हो, इसको मिलाते हो, ठीक है, इसको मिला दिया आपने, मिलाने के बाद क्या आ गया, फिर से आपका सोल बिल्कुल नए जैसा प्रिपेयर हो गया। दैट इज, अलग तो नहीं कर सकते भाई, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज अलग नहीं होंगे। अगर एक बार अट्रैक्ट हो गए, एक बार मिल गए तो बन गया आपका सोल, बन गया। लेकिन अगर इसको आप बार बार फिर से स्टीर करते हो, पार्टिकल्स आपके नीचे सेटल थे, फिर से स्टीर करते हो, तो आपका सोल फिर से बन जाता है। दैट इज ए रिवर्सिबल सोल। ये आपका क्या होता है, रिवर्सिबल सोल। लेकिन कुछ केसेस में यह होता है, जो आपके मेटल होते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड, जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड होंगे, जो भी आपके लायोफोबिक सोल की प्रिपरेशन करते हैं, वे या तो बनेंगे ही नहीं डायरेक्ट मिक्सिंग से, तो बनेंगे ही नहीं, उनके लिए स्पेशल मेथड यूज करना पड़ता है। स्पेशल मेथड से वे बनाए गए, बनाने के बाद ठीक है वे स्टेबल रहेंगे, लेकिन अगर एक बार वे सेटल डाउन हो गए, आप फिर से डायरेक्ट मिक्स करते हो, वो नहीं होंगे डायरेक्ट मिक्स। ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज, इट इज एन इरिवर्सिबल सोल। वे आपके इरिवर्सिबल सोल होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनको हम एक्सटेंसरी कोलॉइड भी बोलते हैं और इरिवर्सिबल सोल भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखो आप चलिए देख लेते हैं एक बार, लायोफोबिक सोल। लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हेटिंग, अभी आपको बताया लिक्विड रिपेलिंग या लिक्विड हेटिंग। अगर हम यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम की जगह पे वाटर यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक। अगर हम यहाँ पे आपका लायोफिलिक सोल है और वाटर एक्ट एज डिस्पर्जन मीडियम का काम करता है, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हेटिंग। इट इज द सोल इन विच पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम रिपेल टू ईच अदर। अगर वे रिपेल करते हैं तो वे आपके क्या होंगे, लायोफोबिक सोल। इट इज फॉर्म्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड और स्पेशल मेथड, या तो इनडायरेक्ट मेथड से बनेंगे या फिर स्पेशल मेथड से बनते हैं। हेंस इट इज कॉल्ड एक्सटेंसरी कोलॉइड और इरिवर्सिबल सोल। ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसरी कोलॉइड और इरिवर्सिबल सोल। द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल सोल्यूशन ऑफ मेटल, आपको ध्यान रखना है, बेस्ट एग्जाम्पल है आपका सोल्यूशन ऑफ मेटल सच एज गोल्ड एंड सिल्वर।
मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल सल्फाइड, यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं सिल्वर गोल्ड मेटल के, मेटल हाइड्रोक्साइड यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है लायोफोबिक सोल आपके क्या होते हैं, वाटर आपके डिस्पर्जन मीडियम से रिपेल करेंगे, रिपेल करने के साथ साथ आपके जो भी सोल की प्रिपरेशन होती है इनके कुछ आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आए। तो चलिए अब बात करेंगे हम इनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, आपके लायोफिलिक सोल एंड लायोफोबिक सोल के बीच मेन डिफरेंस क्या है। चलिए अब बात करते हैं कि जो आपका डिफरेंस है लायोफिलिक सोल एंड लियोफिलिक सोल के अंदर वो आपके क्या क्या हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक सोल एंड लायोफोबिक सोल, द फर्स्ट इज लायोफिलिक सोल एंड द सेकेंड इज लायोफोबिक सोल, ठीक है। इस तरफ आपका लायोफिलिक सोल है, इस तरफ आपको लिखना है लायोफोबिक सोल। तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज रिवर्सिबल। सबसे पहले तो आप ये बता सकते हो लायोफिलिक सोल क्या होते हैं, लायोफोबिक सोल क्या होते हैं, वो भी आपका एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। लायोफिलिक सोल लिक्विड लविंग एंड लायोफोबिक सोल आर लिक्विड हेटिंग। और वहाँ पे आप बता सकते हो कि जो इंट्रैक्शन होती है बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम लायोफिलिक के अंदर अट्रैक्ट करते हैं, उनके अंदर रिपेल करते हैं। इसके बाद आप कहते हैं इट इज़ रिवर्सिबल एंड इट इज़ इरिवर्सिबल। ये मैं आप बच्चों को अभी बता चुका हूँ रिवर्सिबल किस तरीके से है कि कोई भी आपका जो सोल बनता है, यहाँ पे आपका कोई भी सोल है जो कि डिस्पर्जन मीडियम आपका लिक्विड है और डिस्पर्स फेज पार्टिकल इसके अंदर सॉलिड है, और सॉलिड पार्टिकल क्या होंगे अगर ये आपस में इंट्रैक्शन करने के साथ अच्छी इंट्रैक्शन करने के बाद ये जो बनाते हैं ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो भी बनाते हैं अगर वे पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं और फिर से इसको स्टीर करते हैं, अगर वो फिर से स्टीर होने के बाद आपका बिल्कुल नया सॉल्यूशन बन जाता है, बिल्कुल नए जैसा सॉल्यूशन बनेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो आपके होते हैं लायोफिलिक सोल, ठीक है। इट इज़ रिवर्सिबल एंड लायोफिलिक सोल इट इज़ इरिवर्सिबल। अगर ये एक बार बन गए हैं, बनने के बाद अगर ये पार्टिकल सेटल हो जाते हैं तो ये फिर से हम इसको मिक्स करेंगे तो ये आपके नहीं होंगे, सिंपल मिक्सिंग से फिर बाद में नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। द सेकंड पॉइंट इज इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग। हम बता चुके हैं ये पहले ही सिंपली मिक्स करना है, डिस्पर्स फेज पार्टिकल को मिलाना है डिस्पर्स मीडियम में मिक्स करना है, बन गए आपके कौन से लायोफिलिक सोल। इसके बाद हम बात करते हैं लायोफोबिक सोल, लायोफोबिक सोल कौन से होंगे, इट इज़ प्रिपेयर बाय स्पेशल मेथड। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ पे भी आपके क्या आएंगे, वहाँ पे आपके सभी के सभी जो भी मेथड आके केमिकल मेथड है, बरीजाक मेथड है, जितने भी मेथड हैं आपके लायोफिलिक सोल एंड लायोफोबिक कोई भी सोल प्रिपरेशन करने के, ठीक है, वहाँ पे जितने भी आपके मेथड दिए गए हैं वे सभी आपके लायोफोबिक सोल के लिए हैं। लायोफिलिक सोल तो आपका सिंपल मिक्सिंग से ही बन जाते हैं, तो इनके लिए आपको स्पेशल मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। स्पेशल मेथड इनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि आपके कौन कौन से ऐसे स्पेशल मेथड हैं जिनके द्वारा आप लायोफोबिक सोल जो भी आपके सोल की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम बाद में करेंगे, अभी आपको ध्यान रखना है इट इज़ प्रिपेयर बाय सिंपल मेथड, सिंपल मिक्सिंग, और इट इज़ प्रिपेयर बाय स्पेशल मेथड, ठीक है। इट इज़ हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल क्यों है, क्योंकि देखो अगर आपने डिस्पर्स फेज पार्टिकल को डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डाला है, डालने के बाद पार्टिकल एक बार तो वो बन गया, पहली बात तो वो इंट्रैक्शन अच्छी कर रहा है, ठीक है, इंट्रैक्शन अच्छी करने के साथ साथ एक बार सोल बना लिया, लेकिन सेकंड पॉइंट क्या है कि इसने नीचे सेटल हुआ है, फिर से मिक्स करेंगे फिर से बन गया, स्टेबल हुआ या नहीं हुआ, फिर से बनाया, फिर से मिक्स करेंगे फिर से हो गया, ठीक है, उसका अच्छे से स्टीर करेंगे फिर से बन गया, रिवर्सिबल है। लेकिन जो आपके लायोफोबिक हैं, लायोफोबिक इज लेस स्टेबल। लेस स्टेबल क्यों है, एक बार बन गया, बनने के बाद क्या होगा, एक बार उन्होंने इंट्रैक्शन की है तो उसके बाद अगर वे सेटल हो गए फिर से अगर वो मिक्स करके तो नहीं हो रहा, मतलब फिर से नहीं बन रही, तो ये क्या होते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं, इट इज़ हाईली स्टेबल होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह बच्चों को ध्यान रखना है, जो लायोफिलिक सोल होते हैं, ठीक है, लायोफिलिक जो सोल होंगे वे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें जनरली क्या होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। द नेक्स्ट इज इट डज नॉट कोगुलेट ईजली। कोगुलेट का मतलब क्या होता है, जमना, ठीक है, जम जाते हैं ये क्या होंगे, इट डज नॉट कोगुलेट ईजली, ये जल्दी नहीं जमते हैं, ठीक है, ये कोगुलेट नहीं होते हैं, ठीक है। कोगुलेट का मतलब एग्रीगेट होना, उनको वो जम जाना, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इट कोगुलेट ईजली, ये कोगुलेट ईजली हो जाते हैं, जो पार्टिकल हैं आपस में इंट्रैक्शन करेंगे कोगुलेट हो जाते हैं, ये पार्टिकल आपस में इंट्रैक्शन नहीं करते हैं इतने ज़्यादा, तो ये कोगुलेट नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद है इट्स पार्टिकल आर हाईली हाइड्रेटेड। हाईली हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मीन्स वाटर के साथ इंट्रैक्शन करेंगे, इनके जो पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, वाटर के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन करते हैं, और वैसे भी आप देखते हो
इनका क्या होता है, अट्रैक्टिंग नेचर होता है। तो ये क्या आपको याद करना है, इट्स पार्टिकल आर हाईली हाइड्रेटेड एंड इट्स पार्टिकल आर लेस हाइड्रेटेड। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स विस्कोसिटी इज मोर देन दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपका, आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो विस्कोसिटी होती है ये ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू डिस्पर्जन मीडियम। चलिए इसको एक बार देखते हैं कि ये कैसे होती है। मान लीजिए आपके पास दो बीकर हैं, ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट है और ये आपके पास सेकंड है। दोनों में आपने सेम लिया है, डिस्पर्जन मीडियम आपने लिया है सेम, ठीक है। इसमें भी जो डिस्पर्जन मीडियम है वो भी आपका और ये भी आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये सेम है। अब आपने क्या किया, आपने जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या है, डिस्पर्स फेज पार्टिकल, डिस्पर्स फेज पार्टिकल को डिस्पर्जन मीडियम के अंदर ड्रॉप किया और आपकी एक सोल की प्रिपरेशन हो गई, ठीक है। आइदर इट मे बी लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल, कोई भी सोल हो। पहले हम बात करेंगे डायोफिलिक के केस में, ठीक है। तो देखते हैं जो भी आपका डिस्पर्जन मीडियम है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी क्या होती है, इट इज़ द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड, कि कोई भी लिक्विड है उसको रोकने के लिए उनका जो रेजिस्टेंस होता है वही क्या होगी, उसकी विस्कोसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर और हनी है, ठीक है, वाटर और हनी, आपने देखा होगा अगर आप वाटर को फर्श पे डालते हो, ठीक है, वाटर को जैसे ही डालते हो तो फैल जाता है एकदम से, उस वो क्या करता है, मूव बहुत जल्दी करता है, ठीक है। ये इसकी जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट फास्ट होती है, और जो हनी होगा इसकी मूवमेंट क्या होगी, मूवमेंट स्लो होती है, ये इजिली फ्लो नहीं करता, इसका जो फ्लो है ये बहुत ज़्यादा होता है, ये फ्लो कम होता है, हनी फ्लो बहुत कम करता है। तो ये क्यों करता है, इनकी जो विस्कोसिटी होती है, जो भी आपके पार्टिकल होंगे जिनकी जिनका फ्लो बहुत कम होता है, उसका मतलब क्या है कि उनका रेजिस्टेंस है वहाँ पे, वो फ्लो नहीं होने दे रहा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू वही क्या होता है आपकी, वही होती है आपकी विस्कोसिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो आपके फास्ट मूव करते हैं वे क्या होंगे, उनकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, और जो आपके फास्ट मूव नहीं करते उनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हम सोल की बात कर रहे हैं, सोल की केस में आपका क्या होगा, आपका डिस्पर्जन मीडियम है, कोई भी डिस्पर्जन मीडियम है, दैट इज़ इट इज़ टेकन इन लार्जर अमाउंट, ठीक है, एक्ट एज सॉल्वेंट, आप ऐसे याद रख सकते हो। और डिस्पर्स फेज पार्टिकल जब इसके अंदर डाल लें तो दो केस हैं आपके पास, फर्स्ट केस क्या है, लायोफिलिक के केस में के इंट्रैक्शन करेंगे, और सेकंड केस क्या है आपके पास कि वे पार्टिकल आप जैसे ही डालते हो वे इनके साथ इंट्रैक्शन ही नहीं कर रहे, डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं हो रही। तो फर्स्ट केस में लायोफिलिक के केस में हम बात करते हैं, जब ये इंट्रैक्शन करते हैं, इनके साथ इंट्रैक्शन कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर हम इसको फर्श के अंदर डालते हैं तो इसका कुछ ना कुछ फ्लो है, ठीक है, वो किसी न किसी फ्लो के साथ आपके लिक्विड फ्लो कर रहे हैं, जो भी आपका डिस्पर्जन मीडियम फ्लो कर रहा है, किसी न किसी कोई ना कोई इसकी वैल्यू है विस्कोसिटी की वैल्यू, ठीक है। अब आप देख सकते हो जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल अगर डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक पार्टिकल दूसरे के साथ जोड़े रखेगा। पहले जो डिस्पर्जन मीडियम था, डिस्पर्जन मीडियम का जो फ्लो था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही पार्टिकल आपस में अट्रैक कर रहे हैं, अट्रैक करने के साथ साथ उनका जो फ्लो होगा वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो कि मान लीजिए आपके पास एक सिंपल वाटर है और सिंपल वाटर के अंदर आपने कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी, जैसे आपका कोई गम है उसके अंदर ऐसी चीज़ें डाल दी और कि वो पेस्ट सा बना दिया आपने, ठीक है। इनकेस जैसे आप वाटर का केस ले रहे हो, मैंने अभी आपको बताया कि जो डिस्पर्जन मीडियम अगर आप वाटर लेके चल रहे हो, वाटर का आपका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप उसके अंदर कोई चीज़ घोलते हो जो कि इंट्रैक्ट अच्छी कर रही है, तो वो आपके गहरे हो जाते हैं, ठीक है। जो आपके गाढ़े होंगे, एक आपके गाढ़े हो जाएंगे, एक आपके पतले हैं। वाटर आपका बिल्कुल ही पतला है, वो बहुत जल्दी फ्लो करता है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी डाल दें जिससे आपका जो वाटर है, वाटर आपका थोड़ा सा गाढ़ा बन जाए, ठीक है। तो गाढ़े होंगे आपके जो भी सब्सटेंस गाढ़े होते हैं वे क्या होंगे, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, वो इजीली फ्लो नहीं कर सकते, तो उनकी विस्कोसिटी आपकी ज़्यादा होती है और वाटर की विस्कोसिटी आपकी कम होती है। इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो यही यहाँ पे केस है, अगर ये पार्टिकल आपके इनके साथ इंट्रैक्शन करते हैं, डिस्पर्जन मीडियम के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, तो क्या होगा, जो पार्टिकल इंट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये वाले इजिली फ्लो नहीं होंगे, तो इनकी विस्कोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और डिस्पर्जन मीडियम इस केस में क्या होगा, अगर आप इसको यहाँ पे डालते हो, ये फ्लो करते हैं, तो इन ये फ्लो जल्दी करेंगे, ठीक है, फास्ट मूवमेंट होती है इनके अंदर,
और जब आप इनको फ्लो कराते हो तो इनकी जो मूवमेंट है ये आपकी क्या होगी, स्लो हो जाएगी, इनके जो मूवमेंट होगी वो आपकी स्लो हो जाएगी। तो इनकी जो विस्कोसिटी की वैल्यू है ये ज़्यादा हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। यहीं पे ये लिख रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो विलायोफिलिक है इट्स विस्कोसिटी इज मोर देन दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, जो डिस्पर्जन मीडियम होता है उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इन केस ऑफ लायोफिलिक सोल। द नेक्स्ट पॉइंट इज लायोफोबिक सोल। लायोफोबिक सोल में क्या बोल रहा है, इट्स विस्कोसिटी इज नियरली सेम एज दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, बिल्कुल सेम केस है। देखो आपने क्या किया, आपने दो बीकर लिए हैं, वैसे ही हैं, बिल्कुल सेम डिस्पर्जन मीडियम है, जो भी आप वाटर ले रहे हो तो वाटर ले सकते हो, कोई दूसरे ले रहे हो तो कोई दूसरा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या होंगे आपके डिस्पर्जन मीडियम, कौन कौन से होंगे, डिस्पर्स फेज कौन कौन से होंगे, वो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो आपके पास दोनों बीकर हैं, ये इनमें है सिंपल डिस्पर्जन मीडियम, ओनली डिस्पर्जन मीडियम, इसके अंदर डिस्पर्स फेज भी है और डिस्पर्जन मीडियम भी है, ठीक है। और डिस्पर्स फेज क्या है कि डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल इसके अंदर डाले हैं ये बना रहे हैं आपके लायोफोबिक सोल, ठीक है। लायोफोबिक सोल, लायोफोबिक सोल कौन से होंगे, जो इंट्रैक्शन नहीं करते, जो पार्टिकल इंट्रैक्शन नहीं करेंगे, जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है डिस्पर्जन मीडियम के साथ इंट्रैक्शन नहीं करेंगे। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल हैं वे क्या हैं, कम अमाउंट में, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, ज़्यादा अमाउंट में। डिस्पर्स फेज पार्टिकल जैसे ही डालते हैं कोई इंट्रैक्शन ही नहीं कर रहा, जैसे ही मैं डिस्पर्जन मीडियम, ओनली डिस्पर्जन मीडियम का अगर मैं केस लेता हूँ, अगर आप उसको फर्श पे डालते हो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू, उसका कुछ ना कुछ फ्लो की वैल्यू है, आयन की फ्लो की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसकी विस्कोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन अब आप देखते हो उसके अंदर जो डिस्पर्स फेज डाल देखे हैं वो इंट्रैक्ट ही नहीं कर रहे आपस में और कम मात्रा में है, ठीक है, कम अमाउंट में है। तो अगर आप उसको भी डालोगे तो वो बिल्कुल सेम आपका केस होता है, जैसे आपका डिस्पर्जन मीडियम आपका फ्लो करता है वैसे ही वो फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या है, इसकी विस्कोसिटी की वैल्यू नियरली सेम होती है, ठीक है, वो यहाँ पे उनके साथ इंट्रैक्शन ही नहीं करेंगे डिस्पर्स फेज पार्टिकल आपस में, तो क्या होगा, उनकी वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में क्या है, ज़्यादा अमाउंट में तो डिस्पर्जन मीडियम ही है और डिस्पर्जन मीडियम पे ही डिपेंड करेगा, डिस्पर्जन मीडियम की जितनी ज़्यादा जितनी विस्कोसिटी पहले थी उतनी विस्कोसिटी रहेगी। तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि इट्स विस्कोसिटी इज नियरली सेम एज दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे है एट पॉइंट, इट्स सरफेस टेंशन इज लेस देन दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, सरफेस टेंशन। अब देखते हो कि मान लीजिए आपके पास वाटर ही है, ठीक है, सरफेस टेंशन आप देखते हो वाटर है, वाटर की आपकी कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन होती है यहाँ पे, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं ये आपका है डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। और सेकंड केस है, अगर आप इसके अंदर आप देख सकते हो जब इसके अंदर आप डिस्पर्स फेज पार्टिकल को डिस्पर्स करते हो, इसके अंदर डिजोल्व करते हो डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स को डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, तो क्या होंगे, ये पार्टिकल्स इसके अंदर आपस में बाइंड करेंगे, इनके साथ इंट्रैक्शन करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे तो जो सरफेस टेंशन ये क्या हो जाएगी, ये थोड़ी सी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। पहले जो सरफेस टेंशन थी अब वो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि आपके जो पार्टिकल हैं ये पार्टिकल इंट्रैक्ट करेंगे, इंट्रैक्ट करने के केस में आपकी सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इट्स सरफेस टेंशन इज लेस देन दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन केस ऑफ लायोफोबिक सोल इट्स सरफेस टेंशन इज नियरली सेम, ये तो आपको पता लग गया होगा क्योंकि इंट्रैक्शन ही नहीं करते, इंट्रैक्शन नहीं करेंगे क्या होगा, सरफेस टेंशन जो पहले जैसी थी वो वैसे ही रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना, इट्स सरफेस टेंशन इज नियरली सेम एज दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। द नेक्स्ट पॉइंट इज दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट ये आप नाइन्थ क्लास में ही पढ़ के आए हो, टिंडल इफेक्ट क्या होता है इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले लेक्चर्स में, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको याद रखना है, इट डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इट शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है आपको ध्यान रखना है, ये शो करेंगे लायोफोबिक सोल, नॉट लायोफिलिक सोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इट डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इट शो टिंडल इफेक्ट। तो डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक सोल एंड लायोफोबिक सोल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे जो आपके टाइप ऑफ कोलॉइड हैं बेस्ड अपॉन पार्टिकल साइज, ठीक है, जो आपके मल्टी मोलिकुलर, माइक्रो मोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स जो भी हैं हम उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं फिर किसी अलग लेक्चर्स में, तब तक के लिए थैंक यू।